हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी इनकम को यहां से यहां तक ले जा सकते हो और फिर यहां से ऐसे ग्रो कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपको 4 लैडर्स ऑफ वेल्थ के बारे में बताऊंगा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाने के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। लैडर नंबर 1 पर आप सबसे कम इनकम जनरेट करते हो और लैडर नंबर 4 पर आप सबसे ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे आप इन लैडर्स के स्टेप्स पर ऊपर जाते हो, आप दूसरी लैडर की तरफ भी मूव करते जाते हो। अब आपको लग रहा होगा कि आप डायरेक्टली लैडर नंबर 4 पर भी तो जा सकते हो। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने पर आप बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजों को मिस कर दोगे जो अल्टीमेटली आपको लैडर नंबर 4 पर एक्सेल करने में यूजफुल होंगी। उन सभी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में मैं आपको हर लैडर पर बताऊंगा। लैडर नंबर 1, टाइम फॉर मनी। संदीप महेश्वरी, जो एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ फोटोग्राफर, मोटिवेशनल स्पीकर, गाइड और काउंसलर है, उन्हें हर कोई जानता है, लेकिन उनके स्ट्रगल और फेलियर्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। संदीप ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने अपनी पहली इनकम आर्ली करियर काउंसलिंग से जनरेट करी थी। इसके अलावा संदीप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर है और अपनी इसी सर्विस को उन्होंने अपना बिजनेस बनाया। आज उन्हें इंडिया में हर कोई जानता है। संदीप की जर्नी भी इन्हीं लैडर्स की तरह है। हर लैडर के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, आर्ली जॉब। फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए ज्यादातर लोग आर्ली जॉब करते हैं। आर्ली काम करने का मतलब होता है कि आपको सिर्फ कुछ घंटे काम करने के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं। संदीप महेश्वरी ने भी अपनी पहली इनकम आर्ली जॉब से ही अर्न करी थी। स्टेप नंबर 2, फुल टाइम जॉब। सिर्फ आर्ली जॉब करने से आपको एग्जैक्ट फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती है, इसीलिए आपको फुल टाइम जॉब भी करनी पड़ती है, जिसमें आपको पूरे साल के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट का पैकेज दिया जाता है। लैडर नंबर 1 सबसे छोटी लैडर होती है, जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने में सबसे ज्यादा वक्त और मेहनत लगती है, क्योंकि इस लैडर पर आपको पैसे तभी मिलते हैं जब आप अपना टाइम मनी के लिए ट्रेड करते हो। जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर या फिर कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आप अच्छी सैलरी अर्न करते हो, तो आपको एक सर्टेन पीरियड और एज के बाद ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। ये लोग ना अपनी सेविंग्स को ही फाइनेंशियल फ्रीडम समझते हैं। इस तरह के लोगों को फायर कम्युनिटी में कैटेगराइज किया जाता है। फायर का मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। लेकिन अगर आप कोई हाई पेइंग जॉब नहीं करते हो, तो आप कभी भी फायर कैटेगरी में रहकर फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन नहीं कर पाओगे। इंडिया में मोस्टली लोग सिर्फ लैडर 1 पर ही रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल मोस्टली लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते, उन्हें फेलियर से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो लैडर 1 से कहीं और जाने की कोशिश तक नहीं करते हैं। जबकि असल में स्किल्स के बेसिस पर जॉब के अलावा दूसरी जगह से भी अच्छी इनकम जनरेट करी जा सकती है। लैडर नंबर 2, योर ओन सर्विस बिजनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी सर्विस आप अपनी कॉर्पोरेट जॉब में प्रोवाइड करते हो, उन सर्विसेज से आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, या फिर उन सर्विसेज से आप फ्रीलांसिंग करके भी इनकम जनरेट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, आर्ली सर्विस। आप चाहे कोई कॉन्टेंट राइटर, वीडियो एनिमेटर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ऑपरेशंस एसोसिएट या फिर कोई पेंटर ही क्यों ना हो, आप हर काम को आर्ली बेसिस पर डिलीवर करके इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आप बहुत से एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स जैसे कि अपवर्क, फीवर, फ्रीलांसर और ट्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर हजारों लोग अपनी सर्विसेज को आर्ली बेसिस पर सेल करते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। बस आपको अपनी सर्विस को सही से मार्केट करना आना चाहिए, जिससे आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट और रिटेन कर पाओ और अपनी सर्विसेज की सही और
और रीजनेबल प्राइसिंग भी लगा पाओ। स्टेप नंबर टू, चार्जिंग एज पर द प्रोजेक्ट। एक बार आप अच्छे से आर्ली सर्विसेज को डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हो तो आप सेकेंड लैडर की सेकेंड स्टेप पर पहुंच जाते हो, जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को आर्ली चार्ज की जगह पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चार्ज कर सकते हो। मान लीजिए आप पहले किसी वीडियो को एडिट करने के लिए एक घंटे का 100 रुपीज लेते थे और पूरी वीडियो को एडिट करने में आपको 5 घंटों का वक्त लगता था तो टोटल प्राइस 500 रुपीज होगा। अब इस स्टेप पर पूरी वीडियो को रिविजन के साथ एडिट करने के लिए आप डायरेक्टली 700 रुपीज डिमांड या प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि इस स्टेप पर आपके पास एक्सपीरियंस और क्लाइंट का ट्रस्ट होगा तो क्लाइंट आपका प्रपोजल डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगा। स्टेप नंबर 3, मैनेजिंग अ टीम फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज। इस स्टेप पर आप खुद सर्विस को प्रोवाइड नहीं करते हो बल्कि आप सर्विस को डिलीवर करने वाली टीम को मैनेज करते हो, जैसे मार्केटिंग और डिजाइनिंग एजेंसीज। इन एजेंसीज में आप जिन लोगों से बात करके किसी भी डील या प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हो, उस प्रोजेक्ट पर असल में आपसे बात करने वाला इंसान काम नहीं करता है बल्कि उसकी टीम उसके लिए काम करती है। इस तरह से वो एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए सेम सर्विसेज को डिलीवर कर पाते हैं और अपने बिजनेस को स्केल कर पाते हैं। एक बार जब आप इस स्टेप तक पहुंच जाते हो तो आपको उस पर्टिकुलर सर्विस के अलावा और भी दूसरी स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे किसी कंपनी को कैसे सेटअप किया जाता है, अकाउंटिंग, सेल्स और निगोसिएशन स्किल्स। आफ्टर ऑल आप एक तरह से लोगों को मैनेज कर रहे हो और उन्हें सैलरी दे रहे हो, इसीलिए बिजनेस को सही से रन करवाने के लिए ये स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। लैडर नंबर 3, प्रोडक्टाइज्ड सर्विसेज। अब तक हम सर्विसेज को सेल कर रहे थे, अब हम सर्विसेज को एक प्रोडक्ट की तरह सेल करेंगे, इसीलिए इस लैडर का नाम प्रोडक्टाइज्ड सर्विस है। सबसे पहले प्रोडक्टाइज्ड सर्विस का मतलब समझ लेते हैं। ये ऐसी सर्विसेज होती है जिसे किसी नॉर्मल सर्विस से अलग प्रोडक्ट की तरह बनाया और प्राइस किया जाता है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो तो बहुत से रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक मार्केट लर्निंग किट को सेल करते हैं, जैसे कि 3 Zoom call session पर वीक, टोटल 4 week sessions, एडिशनल 1 week revision session, लाइव ट्रेडिंग सेशन, और इस सारे का प्राइस होगा लगभग 5,000 रुपीज। इसके अलावा प्रोडक्टाइज्ड सर्विस के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे वर्डप्रेस, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड क्यूरेशन, स्मॉल बिजनेस एंड वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह वगैरह। प्रोडक्टाइज्ड सर्विस मल्टीपल क्लाइंट्स को एक बंडल की तरह सेल करी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सेकेंड और थर्ड लैडर के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों में ही सर्विस की बात हो रही है। दरअसल दोस्तों, ये दोनों लैडर कुछ बेसिस पर एक दूसरे से अलग है, जैसे कि नंबर 1, इनकम ग्रोथ। सेकेंड लैडर में इनकम की ग्रोथ बहुत कम होती है क्योंकि हर क्लाइंट की डिफरेंट नीड्स की वजह से आप ज्यादा सर्विस डिलीवर नहीं कर पाते हो, जबकि थर्ड लैडर में आपकी सर्विस ऑलरेडी प्रोडक्टाइज होती है जिससे आप डायरेक्टली बिना किसी चेंज के सेल कर सकते हो। नंबर 2, स्कोप। कम इनकम की वजह से सेकेंड लैडर में एक्सपेंशन का स्कोप बहुत कम हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ थर्ड लैडर में प्रोडक्टाइज सर्विस का सेट प्राइस होता है जो एक्सपेंशन के स्कोप को और भी वाइडन कर देता है। नंबर 3, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड लैडर में हर क्लाइंट को सर्विस दी जाती है जिस वजह से हर डिमांड को ऑपरेट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जबकि थर्ड लैडर में प्रोडक्टाइज्ड सर्विस अपने प्री एग्जिस्टेंस की वजह से ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देती है। नंबर 4, कस्टमर क्लैरिटी। सेकेंड लैडर में कस्टमर्स को सर्विस से रिलेटेड क्लैरिटी इशू को फेस करना पड़ सकता है, और वहीं थर्ड लैडर में कस्टमर को प्रोडक्टाइज्ड सर्विस की पूरी क्लैरिटी होती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो एक प्रोडक्टाइज्ड सर्विस को सेल करने के लिए एसेंशियल होती है, जैसे कि आपको अट्रैक्टिव सेल्स कॉपी लिखनी आनी चाहिए जिसकी मदद से बिना डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन करे आप अपनी प्रोडक्टाइज्ड सर्विस को सेल कर सको। आपको अट्रैक्टिव सेल्स पेज डिजाइन करने आना चाहिए, आपको सेल्स से रिलेटेड हर पेमेंट क्वेरीज को सॉल्व करना आना चाहिए। इवेंचुअली आप थर्ड लैडर पर आगे की तरफ मूव करने लगेंगे और इसके टॉप पर आने के बाद आप अपने प्रोडक्टाइज्ड सर्विस को
को मल्टीपल तरीकों से सेल कर सकोगे। लैडर थर्ड पर आने के बाद आपका इनकम ग्राफ टाइम के प्रोपोर्शन में लीनियर बन जाएगा, लेकिन थर्ड लैडर वाले स्टेज पर आकर आपको अपने प्रोडक्टाइज्ड सर्विस को टॉप पर रखने के लिए अपने सेल्स पेज पर लगातार ट्रैफिक को अट्रैक्ट करते रहना होगा। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हो। लैडर नंबर 4, सेलिंग प्रोडक्ट्स। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमीर लोग सिर्फ सर्विसेज को सेल करके अमीर नहीं बने हैं, बल्कि वो किसी न किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो। इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार्स सेल करती है, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विस को बेचती है, रतन टाटा की कंपनी टाटा जो इंडिया के हर सेक्टर में मल्टीपल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को सेल करती है, या फिर ये लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को ओन करते हैं जिन पर ये सभी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न, जहां आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट खरीद सकते हो। जब आप थर्ड लैडर से फोर्थ लैडर पर मूव कर चुके होते हो, जिसका मतलब हुआ कि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार है, इसीलिए फोर्थ लैडर पर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन लैडर नंबर 4 पर अपने प्रोडक्ट्स को सही से सेल करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट, लीड जनरेशन, सप्लाई चेन, ऑपरेशंस, शिपिंग। लैडर 3 के कंपैरिजन में आपको लैडर नंबर 4 पर ऊपर मूव करने के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत होती है, जो एक्चुअली में सेल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होती है। स्टेप नंबर 1, डिजिटल प्रोडक्ट्स। क्योंकि आप प्रोडक्टाइज्ड सर्विस के बाद फोर्थ लैडर पर आते हो, इसीलिए इसके फर्स्ट स्टेप पर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोर्सेज, ई बुक्स और डाउनलोडेबल सेल करते हो। स्टेप नंबर 2, सेलिंग प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। इस स्टेप पर ना डिजिटल प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल ना करके, बल्कि एक एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जैसे कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर सेल किया जाता है, जिससे कस्टमर रीच में एक्सपेंशन होता है। स्टेप नंबर 3, फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड ई कॉमर्स। नेक्स्ट स्टेप पर आप डिजिटल प्रोडक्ट से फिजिकल एग्जिस्टेंस की तरफ मूव करते हो। जैसे पहले अगर आप डिजिटल स्टॉक मार्केट लर्निंग किट सेल करते थे, तो अब आप उस डिजिटल किट के साथ साथ फिजिकल बुक्स और क्वेश्चनर्स भी सेल कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, सब्सक्रिप्शन। जब आप डिजिटल और फिजिकल दोनों टाइप को एक्सेल कर लेते हो, अब आप एक्स्ट्रा रिकरिंग बेनिफिट देकर सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च कर सकते हो, जैसे हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन और अमेज़न प्राइम फॉर एग्जांपल, जो आपको टाइमली चार्जेस के अगेंस्ट रिकरिंग बेनिफिट्स देते रहते हैं। स्टेप नंबर 5, सर्विस एज एन सॉफ्टवेयर। इस स्टेप में आप अपने प्रोडक्ट की सर्विस को एज अ सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हो। SaaS के बहुत से फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे गूगल वर्कप्लेस, स्लैक और जूम, जिससे आपको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता रहता है। स्टेप नंबर 5, मार्केट प्लेस एंड सोशल नेटवर्क। अमेज़न एक मार्केट प्लेस है और मेटा एक सोशल नेटवर्क है। लैडर के लास्ट स्टेप पर आप अपना एक मार्केट प्लेस और सोशल नेटवर्क भी बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों, लैडर नंबर 1 से लैडर नंबर 4 तक पहुंचने के लिए बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी एक लैडर को मिस या स्किप करते हो, तो प्रोबेबली आप नेक्स्ट लैडर में जरूरत पड़ने वाली इम्पोर्टेंट स्किल को मिस कर दोगे। इसीलिए वेल्थ क्रिएशन की इन चारों लैडर्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर सकूं। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। आप अपने स्क्रीन पर आए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। हमारे चैनल पर वीडियोस देखने 75% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल पर और भी वीडियोस को देखिए, और देखने के बाद अगर आपको लगे कि वैल्यू बन रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।